नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, और लाइव लगातार आपसे हर बार ये घरों में रहने के लिए अपील करते रहा है और हम इसके एसओपी के पालन करने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बोकारो में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीजों के जो संख्या में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, और पुलिस भी काफ़ी सख्ती बरती है। हमारे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी जो है, यहाँ मजिस्ट्रेट भी हैं और मजिस्ट्रेट के अलावा कई पुलिस के अधिकारी भी हैं। हम आपको उधर भी दिखा देते हैं कि देखिए, इन लोगों के सहयोग में महिला थाना भी इधर गश्ती लेकर के आ गया है। लेकिन तब सवाल है कि बोकारो के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन बोकारो के लोग खास तौर पर जो हैं, ये कहा जा सकता है कि एसओपी के पालन की दिशा में पहल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस को और प्रशासन को दोनों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। तब सवाल यह है कि क्या बोकारो के लोग कब सुधरेंगे, और बोकारो के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर कौन अपने माथे लेगा? क्या पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जबरदस्ती कहें कि घरों में आप रहें? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम सबसे पहले ये बताना आपको चाहेंगे कि जिस तरीके से 2 बजे के बाद घरों से निकलने पर बिल्कुल पाबंदी टाइप का है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है कि घरों से बाहर निकलने में थोड़ा सा हिचक नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कोरोना का खतरा दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या हालात है जी। आपको एसओपी को पालन करवाने में या लोगों को मास्क पहनाने में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत कठिनाई होता है। सबको बताते हैं कि मास्क लगा के चलो, हेलमेट लगा के चलो मोटरसाइकिल में, आप भीड़ भाड़ में मत रहो, यही सब शिक्षा देते हैं। लेकिन बोकारो के लोग मानते नहीं हैं, जिसके कारण आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोकारो के लोग जो है ना, मान भी नहीं करता है, इतना सावधानी करने से भी नहीं सावधान होते हैं, बहुत तकलीफ करने पड़ता है, परेशानी है। तो जो लोग एसओपी का पालन नहीं करते हैं, क्या उन पर आप जुर्माना उन सब वसूलते हैं? हाँ, उस सबको फाइन कटाते हैं मास्क वाला में। हाँ, ये सब कटते हैं हम लोग फाइन। कैसे पालन करवा रहे हैं? लॉकडाउन का हम लोग पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनवा रहे हैं सबको। और क्या कर रहे हैं कार्रवाई, अगर जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं? फाइन काट रहे हैं। कितना फाइन दे रहे हैं? 500 रुपये काट रहे हैं। देखा कि पुलिस लगातार फाइन काटने के पक्ष धर रहा है, और पुलिस जो है लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है। लेकिन तब अब यह है कि बोकारो के लोग जो है अभी भी नहीं मान रहे हैं, तथा बहुतों लोग अभी भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।